आज भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के लिए अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो सुबह रिलीज किया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आने वाले निगम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो रिलीज किया, तो हम बड़ा इंतजार कर रहे थे कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बात रखेंगे कि उन्होंने एमसीडी में क्या क्या काम किए, वो ये बात रखेंगे कि उनकी जो मुख्य जिम्मेदारी है दिल्ली की सफाई, उन्होंने उसके लिए क्या किया, वो ये बात रखेंगे कि जो दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ उन्होंने दिए हैं उनका निपटारा करने के लिए उन्होंने क्या किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से कोई भी बात नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो उनकी मुख्य जिम्मेदारी थी दिल्ली को साफ करने की, जो उन्होंने पिछली बार अपने संकल्प पत्र में वादा करके कहा था कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, आज हर दिल्ली वाला जानता है कि दिल्ली में साफ सफाई का क्या हाल है। आज हर दिल्ली वाला जानता है कि जो 3 कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को देन दिए हैं, उससे आसपास के 5 किलोमीटर तक लोगों का जीना असंभव हो जाता है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं किया, हमने सोचा कि हम ही उनका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर देते हैं। कि उनके आज के घोषणा पत्र पे चर्चा करने से पहले हम भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि आपने एक संकल्प पत्र 2017 में भी जारी किया था। मनोज तिवारी जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, कई वादे उन्होंने किए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।